मुंबई बोरीवली पूर्व स्थित संजय गांधी नेशनल पार्क में बंद पिंजरे में पल रहे सभी प्रकार के जानवरों को कई संस्थाएं व फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने गोद ले लिया। यह जानवरों के रख रखाव व उनके पालन से लेकर उनके आवास एवं उनकी दवाओं का खर्च उठाने के लिए पूरे वर्ष भर के खर्च का 35% देते हैं, जिनमें अलग अलग वन प्राणियों के अलग अलग खर्च होता है। गोद लेने के लिए कई संस्थाएं, कंपनी और वन जीव प्रेमियों की कतार लगी है। यहां जानवरों की संख्या से अधिक गोद लेने के लिए आवेदन आ चुके हैं। नेशनल पार्क के वन अधिकारी विजय रामभाव बारबड़े के अनुसार बोरीवली संजय गांधी नेशनल पार्क में बंद पिंजरों में रह रहे जानवरों में 5 टाइगर, 2 लायन, 13 लेपर्ड, 3 रस्टी कैट और 35 हिरन व 9 चारसिंगा, 3 नील गाय मौजूद है। इनको गोद लेने के लिए लोगों में इतनी उत्सुकता है कि महज 10 दिनों में करीब 40 लाख का फंड संजय गांधी नेशनल पार्क में जमा हो गया है, जबकि पूरे वर्ष में इन जानवरों को देखरेख व रख रखाव का पूरा खर्च करीब 70 लाख के आसपास है। वन अधिकारी ने बताया कि वन प्रेमियों द्वारा महज 10 दिनों में इनको गोद लेने के लिए लगभग 35 से 40 लोगों का आवेदन आया है। एक टाइगर का एक साल का पूरा खर्च लगभग 3,10,000 रुपये, जबकि शेर का वार्षिक खर्च 3 लाख है। इसके अलावा लेपर्ड का 1,20,000 और रस्टी कैट का 50,000, नील गाय 30,000, हिरन का 20,000, चार सिंगा का वार्षिक खर्च 10,000 तक होता है। नेशनल पार्क में पल रहे जानवरों में सबसे ज्यादा खर्च टाइगर और शेर का होने के बावजूद इनको गोद लेने वालों की लंबी लाइन लगी हुई है। वन अधिकारी के अनुसार सबसे ज्यादा गोद लेने का आवेदन टाइगर और शेर का है। नेशनल पार्क में पिंजरे में बंद सभी जानवरों को लोगों ने वार्षिक खर्च के अनुसार गोद ले चुके हैं। वन अधिकारी के अनुसार मशहूर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल और उनकी बेटी कॉस्ट्यूम डिजाइनर पिया बेनेगल ने एक शेर और एक रस्टी कैट को गोद लिया है। क्रिकेटर संदीप पाटिल लेपर्ड को गोद लिया है, जबकि दवाई कंपनी के निर्माता सतीश वाघ ने 2 टाइगर को लिया है। समाज सेविका साधना वजे ने लेपर्ड को गोद लिया है। साधना लगातार 8 वर्षों से लेपर्ड को गोद ले रही है। इसके अलावा बांद्रा कलेक्टर मिलिंद बारेकर एक लेपर्ड को गोद लिया है। मिलिंद काफी समय से गोद लेते आए हैं। इसके साथ आम मुंबईकरों ने भी वन प्राणियों के साथ प्रेम दिखाया है। वन्य प्राणियों को गोद लेने का साहस देखते हुए लंबी लिस्ट का आवेदन किया है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर, लायन, लेपर्ड, इनके साथ ही रस्टी स्पॉटेड कैट, नील गाय, हिरन इत्यादि प्राणियों का बंदिस्त अवस्था में व्यवस्थापन किया जाता है। तो उनका खाना पीना, उनका रख रखाव, उनके वैद्यकीय चिकित्सा, इसके लिए शासन का एक बहुत बड़ा एक फंड खर्च होता है। तो सन 2013 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक स्कीम लागू की गई थी, जिसमें वन्यजीव प्रेमी संस्थाएँ, व्यक्ति और कंपनी उन प्राणियों को काल्पनिक रीत्या गोद लेने की एक वो स्कीम जारी थी। इसमें कुछ वन्यजीव प्रेमी जो व्यक्ति है, संस्था है या कंपनियां हैं, उनको अगर टाइगर या कोई एनिमल अगर दत्तक लेना है तो वो उसमें जो निर्धारित की हुई रकम है वो रकम भरकर वो एनिमल 1 साल के लिए दत्तक ले सकते हैं। अभी सन 2021 में हमने वही स्कीम को फिर से जनता को ये दिया है, जनता को याद दिलाने के लिए सब न्यूज़पेपर में और सब मीडिया में हमने उसको प्रकाशित किया, तो उसको भर के लोगों ने प्रतिसाद दिया हुआ है। हमने ये पेपर में और सब तरह प्रकाशित करने के बाद में 8 दिन के अंदर अभी तक हमारे यहाँ जितने एनिमल्स हैं उनसे ज़्यादा अर्जी आ चुकी है। उसमें बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर तो सर्वसामान्य मुंबईकर, इन्होंने सब ने रुचि दिखाया हुआ है।